पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभल जनपद की चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में मस्जिद के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्टेज का तार गिरा। बड़ा हादसा होने से टला कब्रिस्तान वाली मस्जिद के लेंटर में हुआ छेद। संभल जनपद की चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के जराई गेट कब्रिस्तान वाली मस्जिद में आज सुबह उस वक्त बड़ा हादसा होने से बच गया, जब सुबह की नमाज पढ़ने के लिए जैसे ही नमाज पढ़कर लोग बाहर निकले, उसी समय मस्जिद के ऊपर से जा रही 11,000 वोल्टेज की लाइन का तार टूटकर मस्जिद के ऊपर छत पर गिर गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हम लोग पहले भी काफी बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने कोई भी सुनवाई नहीं की। इस विषय में जय अर्जुन मौर्य का कहना है, 1 से 2 दिन में लाइन को यहां से हटा दिया जाएगा। ये क्या मामला है बिजली के तार का, 11,000 की लाइन का? ऊपर के नाम है गिरा, 11,000 का वाला लेंटर में सुराख हो गया। कब गिरा था ये? ये सुबह गिरा, 6 बजे करीब। तो यहां कोई हादसा तो नहीं हुआ? ना, हो जाता, बंदे वगैरह थे यहां, सब लोग नीचे थे। इसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कई बार हादसे होते होते बच गएंगे, आज भी बहुत बड़ा हादसा होते से बच गया है। लेंटर में सुराख तक का हो गया तार गिरने से। ये अगर नवाजी नीचे थे, काश अगर कोई ऊपर होता, हो सकता 2-4-6 आदमी मारे जाते। ये नमाज के वक्त का मामला है? नमाज के, हाँ, बात तुरंत बाद का, जब इसी वक्त नमाज के टाइम पे सुबह फजर की नमाज के बाद में चले गए थे लोग। अभी आप कोई बिजली विभाग का कोई कर्मचारी आया? मस्जिद पे करंट आ गया। कोई बिजली विभाग का कर्मचारी आया? कोई सिर्फ कर्मचारी है, कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पे। आप लोगों ने फोन किया? कई बार मतलब शिकायत कर चुके।